अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं सैनली टीवी। दोस्तों आज हम बात करेंगे, ये एक मिनी फ्रिज है, ये फ्रीज़र है छोटा सा एक, जैसा कि आपने देखा है आमतौर पे ये मेडिकल स्टोर वगैरह इसको मेडिकल स्टोर वाले इसको यूज़ करते हैं। इसमें मेडिसिन वगैरह जो जो के टम्परेचर के हिसाब से उसके अंदर रखी जाती हैं, ठीक है। तो इसमें ये फ्रीज़र है तो ये कूलिंग नहीं कर रहा, ठीक है, कूलिंग नहीं कर रहा। इसके अंदर कोई आपको कंप्रेसर वगैरह नहीं मिलेगा, सिर्फ एक इसमें ये बोर्ड ऐड किया गया है और इसके अलावा ये दो फ़ैन है, एक फ़ैन ये इसके बाहर ऐड है, एक इसके फ्रिज के अंदर है, इससे छोटा है थोड़ा सा, ठीक है। ये 12 वोल्ट के दोनों हैं, तो 12 ये 12 वोल्ट का है, दूसरा जो है वो तकरीबन 5 वोल्ट का फ़ैन है, ठीक है, जो इसके अंदर है ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये कूलिंग नहीं करता क्यों, इसके में कुछ भी, यानी कि इसके अंदर जो है वो कंप्रेसर वगैरह गैस वगैरह इसमें कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये इसका ये मेन्यू वगैरह लगा हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये दो फ़ैन भी आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या उनने दो फ़ैन इनपुट वगैरह और ये इसका मॉडल नंबर वगैरह, ठीक है, ये सारा कुछ इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसको मैंने ठीक कर दिया, रिपेयर कर दिया, यानी कि मैंने तो इसमें फॉल्ट के, मैं सबसे पहले आपको इसके अंदर दिखाता हूँ कि इसमें है, इसके अंदर क्या चीज़ है, ठीक है। इसको, इसका इतना वज़न भी नहीं है, बिल्कुल छोटी सी मिनी फ्रीज़र है, ठीक है। ये इसका डोर है, ये डोर ओपन हो गया, ठीक है, अभी अंदर आपको नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे ये एक फ़ैन लगा हुआ है, छोटा सा फ़ैन। इसके अलावा इसके ऊपर जो है यहाँ पे एक इसकी लाइट है, लैंप है बस, और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं भी इसको पावर देता हूँ, पावर दे के दिखाता हूँ। तो जी मैंने पावर दे दिया, ये इसके अंदर एक लैंप है, इसके अलावा वो एक फ़ैन है, ये एक फ़ैन है बस, ठीक है, ये इसके अंदर लगा हुआ है। तो अभी मैंने इसको ऑन किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टम्परेचर इसका, अभी ये इसके अंदर 18 डिग्री है, ठीक है। आप यहाँ से अप डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, ये अब 12, ठीक है, यानी कि टम्परेचर इसका 11 से ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, 11 तक ये इसका टम्परेचर रहता है। तो इससे आप अप भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर का जो दर्जा हरारत है वो इस वक्त है 18, ठीक है। तो अभी थोड़ी चंद मिनट चलने के बाद ये ऑटोमेटिकली दर्जा हरारत जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है। जो जो अंदर इसके ठंड होगी, कूलिंग होगी, तो ये हरारा भी, टम्परेचर भी इसका कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें फॉल्ट क्या था, इसमें फॉल्ट बोर्ड बिल्कुल ओके था, मैंने चेक किया, बोर्ड में कोई फॉल्ट नहीं। तो इसमें ये फ़ैन जो है, फ़ैन ख़राब था, ठीक है, फ़ैन वर्क नहीं करता था, जिसकी वजह से ये कूलिंग नहीं करता था, ठीक है। बस इसके फ़ैन का फॉल्ट था, जो कि मैंने इसको ठीक कर दिया। तो फ़ैन को ओपन किया, ओपन करने के बाद इसके में एक आईसी होता है छोटा सा, वो उसमें फॉल्ट था, तो वो मैंने रिपेयर कर दिया। तो अभी फ़ैन भी चल रहा है, जो अंदर वाला फ़ैन जो है वो पहले भी वर्क कर रहा था, लेकिन ये जो बाहर वाला बड़ा फ़ैन है ना, ये नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से ये कूलिंग नहीं करता था। तो अभी फ़ैन भी चल रहा है, तो अभी थोड़ी देर में देखते हैं कि इसका टम्परेचर कम हुआ है या कि नहीं, ठीक है। ये मिनी फ्रीज़र है, इसमें मेडिसिन वगैरह जो है वो रखते हैं। तो अभी 18 पे है, ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में ये नीचे आ जाएगा। इसमें ऐसा होता है कि जब तक ये इसका फ़ैन वर्क नहीं करेगा, ये कूलिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बोर्ड है, सादा सा बोर्ड है, इसका कुछ भी नहीं, बैक साइड में इसके एक चिप लगी हुई है छोटी सी, इसके अलावा इसके फ्रंट में ये जो कुछ भी है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी इसकी सप्लाई है। तो ये जो अब इस फ़ैन के जो 12 वोल्ट की सप्लाई है फ़ैन की, तो मैंने चेक किया यहाँ पे 12 वोल्ट मिल रहे थे, लेकिन फ़ैन जो है वो वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है। तो फ़ैन को ओपन किया, देखा तो फ़ैन ख़राब था, जिसकी वजह से ये कूलिंग नहीं कर रहा था। तो अभी मैंने इसको फ़ैन को ठीक करके लगा दिया। तो अभी चेक करते हैं इसका दर्जा हरारत कितना है, ठीक है।
तो जी आप देख सकते हैं इसका हरारा जो है, इसका टेम्परेचर जो है वो कम होना शुरू हो चुका है। ठीक है, ये अभी 17 है। इसका जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 11 है, 11 से हम नीचे नहीं इसका टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो ये मिनी फ्रिज है, तो आप देख सकते हैं इस वक्त इसका बस फ़ैन ख़राब था, फ़ैन ख़राब होने की वजह से ये कूलिंग नहीं।